कटप्पा भौकी महाराज, मान लीजिए किसी की आईडी में 1,00,000 डायमंड है और किसी ने उस आईडी को हैक करके सारे डायमंड अपनी आईडी पर ले लिए हो, तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं करूंगा, मेरा आईडी थोड़ा ही ना है। oh, no. मतलब तुम कुछ भी नहीं करोगे, असल में वो आईडी तुम्हारा ही था। ये किसने किया महाराज? बाहुबली ने। oh, no. उसने डायमंड गिफ्ट ही नहीं किया, बाकी का बचा हुआ डायमंड सब गोल्ड रॉयल में उड़ा दिया। नहीं छोड़ूंगा साले को। ये बताओ है कहाँ पर? वो अभी पीक पर है, 16 वर्सेस स्क्वाड कस्टम खेल रहा है, तुम जल्दी जाओ। ओके। मामा ये लो नया कटाना। ओ अच्छा नया कटाना, मतलब साले ये भी निकाल लिया, मेरी आईडी में एक भी डायमंड नहीं छोड़ा। अगला एपिसोड बाहुबली फ्री फायर में एक मिशन आया है कटाना से 50 किल करने का, इसलिए तुम जाके 16 वर्सेस स्क्वाड खेलो। क्या 16 वर्सेस स्क्वाड? तुम्हें पता है मेरा फोन कितना लैग करता है? oh, no. मुझे एक अच्छा सा गेमिंग फोन क्यों नहीं दिलाती? और क्या बोला 50 किल करूं वो भी इस कटाना से? तो एक काम कीजिए, ये कटाना अपने पास ही रखिए कलेक्शन वर्सेस के लिए। मैं जा रहा हूँ एक अच्छा सा गेमिंग फोन खरीदने। चलो डार्लिंग आईफोन 14 प्रो मैक्स लेंगे। अगला एपिसोड लोकेश भाई। ए लोकेश भाई, आप तो फ्री फायर के पुराने प्लेयर हैं, आपके पास तो सब रेयर बंडल है, फिर भी आपको लोग नूबड़ा बोलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। ये फ्री फायर का नूबड़ा है। अगला एपिसोड सर पता चल चुका है फ्री फायर क्यों बैन हुआ था। oh, no. हाँ क्यों बैन हुआ था बताओ। हाँ वो तो मैं बताऊंगी, जब ये फ्री फायर बैन हो रहा था तब तुम क्या तेल लगा रहे थे? अरे नहीं पूर्वी, हम तेल नहीं लगा रहे थे, हम नए नए इवेंट्स पे ध्यान देते हैं। अरे तुम ये बताओ फ्री फायर बैन क्यों हुआ? मोड ऐप से। ए सरिया ये क्यों नूबड़ा बनती है, भला कोई मोड ऐप से फ्री फायर को कैसे बैन कर सकता है? oh, no. अरे हुआ है सर, मोड ऐप मतलब नहीं है करे। सर इस ऐप से हम किसी का भी फ्री फायर आईडी हैक कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, पहले कोई एग्जांपल दो। जैसे सालू की FF। हाँ वो बंदा बहुत प्रो है, वो पूरा दिन हेडशॉट मारने की प्रैक्टिस करता रहता है। तो आओ सर उसका गेम प्ले देखते हैं। हाँ चलो चलो दिखाओ। चलो हम भी तो देखे ही है, इतना अच्छा हेड कैसे मार लेता है। हेड ऐसे मारा जाता है, लगता है मुझे कोई अच्छा टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो दिखाना पड़ेगा, तभी मैं हेड मारना सीखूंगा। सर मैंने देख लिया। क्या क्या देख लिया? वही ईमान डोल जाने पर आप मोंटेज वीडियो बना रहे थे। बट अभिजीत एफएम को मत बताना। क्यों सर? अरे फिर वो भी इसी गाने पे मोंटेज डाल देगा ना। नुबड़े का धोपड़ा देखा है, एकदम ग्लोबल जैसा दिखता है। और वो टकला ACPF है, उसका मुंह तो और फूटा हुआ ग्रेनेड जैसा दिखता है। आज मेरे हाथ से एक नूबड़ा मरेगा। अभिजीत जल्दी से फोन लगा। जी सर। हेलो, नूबड़े का नाम लिया, नूबड़े का फोन भी आ गया। सर आज आपने क्या क्या बोला आपको मालूम भी है? क्या बोला मैंने? oh, no. आज तो ACP सर आपके मुंह में शॉटगन डाल देंगे। ये लो फूटा हुआ ग्रेनेड भी वही है। अगला एपिसोड। हेलो सभी लोगों का स्वागत है आज के एक नई वीडियो के अंदर, मेरा नाम है जयराम। बोलो मेरे मित्र, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? बिग फैन अज्जू भाई, मैं बहुत बड़ा नूबड़ा हो गया हूँ, मुझको कुछ टिप्स एंड ट्रिक बता दो। फ्री फायर के अंदर सबसे सेफ जगह किधर है पता है? नहीं पता अज्जू भाई। फैक्ट्री। फैक्ट्री पर उतरने के बाद अपने फोन का नेट ऑफ कर देने का, फिर उसके बाद पूरे मैप में घूमना है, जहाँ बंदा दिखे वही नेट को ऑन करना है और मार देना है। गांजा पियो का? गांजा भूख का टिप्स एंड ट्रिक दे रहा है। अरे अज्जू भाई तुमको पता ही नहीं है, फैक्ट्री पर इतना बंदा आता है, ससुरा नेट बंद कर दिया तो पीछे से कब पेल के चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अगला एपिसोड। अंदर आने दो उस नूबड़े को। हाँ हाँ ब्रो चिंता मत कर, जिन जिन की वजह से लोग तुझको नूबड़ा बोलते हैं वो सब हैं इधर। नहीं नहीं यहाँ पर हुकोंग नहीं है, बस मैक्सिमस क्रोनो स्काइलर। एक मिनट, हुकोंग भी आ गया, लगता है हगने गया था। हेलो ब्रो, तुम में से स्काइलर कौन है यहाँ पर? ए मैं हूँ स्काइलर, इस फ्री फायर में हमारा ही राज चलता है। एडम जैसा नूब नॉट अलाउड हियर। ओके एडम ब्रो, मिल गया तुझे नूब बोलने वाला हीरो। अबे साले तू एडम नहीं है? oh, no. क्या ना, मुझे अपना इंट्रो देना पसंद नहीं है। ए चल बता मेरे बारे में आलोक। ये क्या है बे नूबड़े, 1.5 सालों से खाया नहीं आलोक। थोड़ा चिल्ला के बोल, आवाज करके बोल। इसे कहते हैं इंट्रो। स्काइलर हो या क्रोनो, मैं हूँ तुम सबसे प्रो, तुम सबका बाप हूँ सालो, IM DJ आलोक।
अब ये डीजे आलो कौन है? गेम पे देर से लॉन्च हुआ ना, इसलिए तुझे पता नहीं। ए फ्री फायर पे अब हमारा राज चलेगा, तू निकल यहाँ से। ए फ्री फायर पे तेरा राज चलेगा तो मैं कल लूडो बजा कर डीजे बजाऊंगा। अभी भी बोल रहा हूँ तुम सबको, बाप को सिर्फ बाप बोल। तेरा जमाना गया बे नूबड़े, अब तू हमको बाप बोलेगा और पैर भी दबाएगा। तो फिर बाप है कौन? अरे यही तो तुम लोगों का प्रॉब्लम है, कब से तुम्हारा बाप इधर बैठा हुआ है तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। साले बाप पे पैर उठाता है। अब जॉन के बाहर जाके अपनी पापा की दिखा, चल भाग। अगला एपिसोड। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। बताइए लोकेश भाई, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? सब लोग मुझे नुबड़ा बोल के चला जाता है। मैं आपसे गेम प्ले सीखने आया हूँ राइस्टर भाई। आप मुझे कुछ हेडशॉट मारना सिखा दो, मैं आपकी आईडी में 1,00,000 डायमंड का टॉप अप कर दूंगा। अच्छा ठीक है, चलो देखो, ये सामने व्हाइट 4x4 का स्क्वाड है। मैं इन सबको कैसे हेडशॉट मारता हूँ? और हाँ, मेरे गेम प्ले का वीडियो भी बना लेना, तो मैं यूट्यूब पर डालने में काम आएगा। वाह क्या गेम प्ले है, ये लो नूबड़ो है करा थोड़ा। तेरा बाप आया। साले नूब मुझसे जीतेंगे, वो भी काला हारी में। तुम्हारी तो गजब। अगला एपिसोड। लोकेश भाई, हमसे भी छोटा छोटा नूब हीरो ग्रैंड मास्टर मार लेता है। हम साला इस नूबड़े की वजह से डायमंड 4 में भी नहीं जा पा रहे हैं। तूने ही तो इस नूबड़े को इनवाइट किया था। अब जल्दी से लूट कर फटाफट पानी में रैंक पुश करेंगे। लेकिन इधर तो सेफ जोन नहीं है लोकेश भाई, और तो और गेम में राइज स्टार आया है। और फिर से हमारा माइनस लगने वाला है। मेरी आईडी में एक भी MP40 मैक्स कर देता ना, तो राइज स्टार को खुलेआम हेडशॉट मारता। अच्छा ठीक है, मैं तुझे 2,00,000 डायमंड और हिप हॉप आईडी बिल्कुल फ्री में दूंगा। कब दोगे लोकेश भाई? 50 साल बाद। एक बात बोलूं लोकेश भाई? हाँ बोल। आप एक नंबर के नूबड़े हो। हाँ वो तो मैं हूँ। मैं नूबड़ा ऊपर से, ये साला नूबड़ा। ए इधर आ रे। अगर इसे 24 घंटे में किक नहीं किया ना, तो मैं तुझे अपनी स्क्वाड से किक कर दूंगा। तो फिर आप रैंक पुश नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत बड़े नूबड़े हो, इसलिए शुक्र मनाओ मैं आपके साथ रैंक पुश करता हूँ। चल बकवास बंद कर, लूट कर। अगला एपिसोड। तो नूबड़ो एंड प्रो प्लेयर, आप सभी का स्वागत है मेरी लाइव स्ट्रीम में। Help me. भले ही मेरे चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर्स नहीं है, तब भी मुझे इस वीडियो पर 1,000,000 लाइक चाहिए, जो कि अवकाश से बाहर है।